नमस्कार साथियों, बहुत बहुत करता हूँ स्वागत आप सभी के अपने चैनल टेक स्टडी एंटरटेनमेंट पे। अगर आपने अभी तक भी हार्ट वेट काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले इसकी तिथि 7 से 17 अक्टूबर तक थी, लेकिन इसकी तिथि को अब 21 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इसमें करना क्या है। तो जो लोग नए हैं, अभी तक नहीं किए हैं, वे लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कही जा रही है कि जो लोग कर चुके हैं उनको अधिक से अधिक कॉलेज का चुनाव करना है। और यहाँ पे समस्या हो रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं कि मैं तो यहाँ पे कर चुका हूँ तो मुझे भी करना होगा क्या, और फिर से मुझे पैसा देना होगा क्या करेक्शन के लिए। और भी जो डाउट होगी आपकी, मैं सारी डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला हूँ, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग इस न्यूज को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो भी आपके डाउट होंगे मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा। सीटी बेड 21 तक कर रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग, यानी आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं। सीटी बीएड के लिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा रजिस्ट्रेशन व च्वाइस फिलिंग की तिथि को 21 अक्टूबर तक विस्तारित कर दिया गया है। पहले यह 17 अक्टूबर तक थी, अब भी इसको बढ़ा के 21 अक्टूबर कर दिया गया है। यह अंतिम मौका है और यहाँ पे साफ कहा गया है कि यह अंतिम मौका है। अगर आप वंचित रह गए हैं, किसी भी कारण से आप नहीं रजिस्ट्रेशन कर पाए हैं तो आप कर लीजिए। इसके साथ ही 20 व 21 अक्टूबर को पोर्टल खोलकर फिर से एक बार विचार कर कॉलेज ऑप्शन को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप तो रजिस्ट्रेशन करेंगे ही, जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वे क्या करेंगे, आज से कर सकते हैं। आज 19 है, आज से भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और कॉलेज च्वाइस यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब भी आप कॉलेज का च्वाइस करें तो अधिक से अधिक कॉलेज का च्वाइस करेंगे, ठीक है। अगर आपका नंबर कम होगा तो ज़्यादा कॉलेज का आप च्वाइस करेंगे, 10, 15, 20, 25 जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यह माना नहीं है कि आप कितने कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं, आपको जितना मर्जी यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। तो आप अधिक से अधिक अगर कॉलेज का चुनाव करते हैं तो आपका एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा, अगर आपका नंबर कम भी है तो। अब देखिए, जो लोग कॉलेज चुन लिए हैं, पहले कॉलेज का चुनाव कर लिए हैं और वो ये चाहते हैं कि मैं कुछ कॉलेज में बदलाव करूँ, जैसे कि मैंने वो जो कॉलेज चूज किया है उसमें हटाना चाहता हूँ या नए कॉलेज को ऐड करना चाहता हूँ, या मैंने पहले स्थान पर दूसरे कॉलेज को दे दिया है उसके स्थान पर मैं दूसरे कॉलेज को देना चाहता हूँ, तो वे लोग क्या करेंगे? वे लोग आज से नहीं कर सकते हैं। वे लोग कब करेंगे? 20 और 21 अक्टूबर को, यानी कल और परसों। कैसे करना है? उनको वहाँ पर जाना है, अपना यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन होना है। उसके बाद आप वहाँ से रीसेट कर देंगे, ठीक है। जो भी आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज किए होंगे उसको रीसेट करके फिर से आप वहाँ से अधिक कॉलेज का चुनाव कर सकेंगे, आपके पास वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपने पहले 2, 4 या 5, 10 कॉलेज का चुनाव किया है तो आप अधिक से अधिक कॉलेज का चुनाव कर ले, कम से कम 15-20 कॉलेज का चुनाव तो आप कर ही लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप 5 ही कॉलेज का चुनाव किए हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। देखिए, एडमिशन उन स्टूडेंट का तो हो जाएगा जिनका नंबर अधिक है, जिनका अधिक नंबर है उनका तो 5 ही कॉलेज में हो जाएगा, लेकिन जिनका नंबर थोड़ा कम है उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कॉलेज चुनना होगा, ताकि उनका एडमिशन अगर इस कॉलेज में ना हो तो उस कॉलेज में हो जाए, जो सभी कॉलेज का कटअप जो है अलग निकलता है, तो उस कटअप के अंदर आप आ जाए और आपका एडमिशन हो जाए। इसलिए यहाँ पर अधिक से अधिक कॉलेज का च्वाइस कराया जा रहा है। तो आप अगर कर लिए हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा मार्क्स सही है, अगर मैंने जो भी कॉलेज चूज किया है 5 या 10 उसी में मेरा हो जाएगा, तो आपको च्वाइस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है कि आपको करना ही है, करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, नहीं करेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो आप यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज का च्वाइस कर सकेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि मतलब और अधिक कॉलेज को चुन कर रिसेट कर सकते हैं। अधिक से अधिक कॉलेज चुनने की यहाँ पे नसीहत दी गई है, और यहाँ पे नोडल अफसर जो अजीत कुमार सिंह है, यह डायरेक्ट यहाँ पे कह चुके हैं कि आप अधिक से अधिक कॉलेज का च्वाइस करें और यहाँ पे अपना नामांकन जो है सुनिश्चित कर ले। अधिक से अधिक महाविद्यालयों का चयन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में आपका एडमिशन में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आवंटन सिर्फ और सिर्फ चयन सूची से होगा। जो भी आपका कॉलेज का वहाँ पे चयन होगा, मेगा सूची बनेगी, मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसी के आधार पे होगा और उसमें बदलाव संभव नहीं होगा। आप वहाँ पे चाहेंगे, जैसे मान लीजिए, देखिए मेरी बात एक समझिए, जैसे आपने यहाँ पे जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने सीएन कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपने जब जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज को सिलेक्ट किया तो उसका कटअप 70 गया मान लेते हैं, अगर आपने सीएन कॉलेज को वहाँ पर सिलेक्ट किया तो उसका यहाँ पे कितना गया,
55 गया। अब देखिए वहाँ पे अगर मान लेते हैं आप मिस कर जाते हैं, अगर सी एन कॉलेज को आप सिलेक्ट नहीं करते हैं, जगन्नाथ मिश्रा को कर लेते हैं, उसके बदले किसी और कॉलेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आपका कटअप अगर 70 भी गया है और सी एन कॉलेज का 55 गया है, आपने दूसरे कॉलेज को सिलेक्ट किया है, उसका कटअप वहाँ पे 65 गया है और आपका यहाँ पे जो है 68 भी है या 60 भी है, तो आपका एडमिशन नहीं होगा क्योंकि आपका उस कैटेगरी में आता नहीं है। हाँ, अगर आपने वहाँ पे सी एन कॉलेज का चुनाव किया होता जिसका कटअप वहाँ पे कम गया होता तो वहीं पे आपका एडमिशन होगा, इसलिए यहाँ पे अधिक से अधिक कॉलेज चुनने की नसीहत दी जा रही है। अब यहाँ पे देखेंगे और भी बातें यहाँ पे बताई गई है कि नीट ये तो अलग हो गया फ्रेंड्स, तो इसी के अकॉर्डिंग आप जो है कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं। और रही बात आप अगर करेक्शन करने जा रहे हैं तो क्या फिर से आपको फ़ी देनी होगी? बिल्कुल नहीं, आपको फ़ी देने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है, आपने एक बार पहले भी पेमेंट कर दिया है। अब रही बात जो नए रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको तो फ़ी यहाँ पे पेमेंट करना ही होगा, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि क्या हम करेक्शन करने जाएंगे तो क्या मुझे फिर से पेमेंट करना होगा, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, आपको फिर से पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। और आप अगर नए हैं, अभी तक नहीं किए हैं पहली काउंसलिंग, तो आप आज से कर सकते हैं, 21 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है, आज कर ही लीजिए, बाद में सर्वर प्रॉब्लम हो सकती है। और जो पुराने हैं, जो पहले कर चुके हैं, वे लोग कल से करेंगे, यानी 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को आपका पोर्टल वहां पे ऑन किया जाएगा, आप वहां से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही कोई और अपडेट आएगी मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन थी काउंसलिंग को लेकर वह दूर हो गई होगी। एक कन्फ्यूजन और होगी कि इसका मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, तो देखिए मेरिट लिस्ट में अब देरी हो सकती है, 2 से 3 दिनों का समय और भी लग सकता है, 21 को जुड़वाने वाला था उसमें टाइम बढ़ सकता है। जैसे कोई और अपडेट आएगी मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, धन्यवाद।